नमस्कार, मैं हूं शिवानी। धड़ाधड़ तेज खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राष्ट्रीय राजनीति में उतरने का स्पष्ट संकेत दे दिया है। इसी के मुद्दे नजर उन्होंने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति BRS कर दिया है। बिहार भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि पटना गांधी मैदान में खड़ा किया गया रावण अहंकारी और गलत हिथरही करने वाले नीतीश कुमार को देखकर अपने आप ही धराशायी हो गया। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा में गुरुवार को शामिल हुई। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अभी कर्नाटक में है। सोनिया गांधी ने यहीं से अपने यात्रा की शुरुआत की और पैदल मार्च में शामिल हुई। बिहार सरकार ने जमीन और रजिस्ट्री से जुड़े दस्तावेजों को लेकर नया आदेश जारी किया है। सरकार में मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के अपर सचिव के पाठक ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि अब से आम लोगों को अपनी जमीन और रजिस्ट्री से संबंधित कागजात की कॉपी लेने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता उदित राज के दिए विवादित बयान पर मामला गर्म हो गया है। बीजेपी ने उदित राज पर वार करते हुए कहा कि ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाती है। गोपालगंज जिले के पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने 13 सितंबर को देर रात्रि नगर थाना के आजाद नगर वार्ड नंबर 22 में सगीर आलम के घर हुए हथियार के बल पर भीषण डकैती को अंजाम दिया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड एक CRPF का जवान निकला है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के जिन चार लोगों का बीते दिनों अपहरण हुआ था उनके शव बरामद हुए हैं, जिनमें एक बच्ची भी शामिल है। कैलिफोर्निया शेरिफ ने कहा कि किडनैप किया बच्चा, माता पिता और अंकल का शव एक बाग से बरामद हुआ है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2529 नए मामले सामने आए हैं। इन नए मामलों के बाद अब देश में एक्टिव केस की संख्या 32,282 पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तबीयत अभी भी नाजुक बनी हुई है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मुलायम सिंह यादव के ताजा हेल्थ अपडेट में बताया गया है कि उनकी हालत अब भी गंभीर है। मुकेश अंबानी को जान से धमकी देने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। आरोपी शख्स बिहार के दरभंगा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम राकेश कुमार मिश्रा है। इसकी उम्र 30 साल है। गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत मामले से चार भारतीय कफ सिरप को जोड़ते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अलर्ट के बाद भारत ने भी इसे लेकर जांच शुरू कर दी है। कफ सिरप को हरियाणा के सोनीपत में मेसर्स मेडेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने बनाया है। ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए ई कॉमर्स मार्केट प्लेस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रोडक्ट पर जरूरी जानकारी प्रदर्शित हो ताकि ग्राहक खरीदने वाले प्रोडक्ट के बारे में सब जान सके। दरअसल कई बार ई कॉमर्स कंपनियां जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट अपने ग्राहकों को गलत सामान बेचती है और अपने पोर्टल पर बिक रहे सामान या दी जा रही सेवाओं पर कोई जिम्मेदारी न लेते हुए धारा 79 का सहारा लेती है। भारतीय वायुसेना का फुल ड्रेस रिहर्सल इस बार दिल्ली NCR में ना होकर पहली बार चंडीगढ़ शहर में हुआ। चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर सुबह के वक्त परेड हुई, जिसके बाद दोपहर फ्लाइट पास्ट सुकना लेक पर रिहर्सल हुई। दरअसल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना को 90 साल होने जा रहे हैं, जिसको लेकर यह रिहर्सल थी। हरियाणा में 10,000 एकड़ जमीन पर जंगल सफारी की स्थापना की जाएगी। CM मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यह एशिया की अब तक की सबसे बड़ी सफारी होगी और जंगल में सभी जानवरों के लिए अलग जोन होंगे। ट्विटर एक नई सुविधा शुरू कर रहा है, जिससे यूजर्स जीफ, फोटो, वीडियो और मीम्स को एक ही ट्वीट में एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसों पर जोड़ सकते हैं। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया गुरुवार सुबह आगामी ICC मेंस T20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गई। 2007 की चैंपियन भारतीय टीम पिछले साल सेमीफाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहने के बाद इस साल टाइटल जीतने की कोशिश करेगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI मामले में गैर कानूनी गतिविधियों के रोकथाम के लिए न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में बन्नी उत्सव में 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बन्नी उत्सव में दो समूह के लोग लाठी से लड़ाई करते हैं। लड़ाई में कई लोग गंभीर रूप से भी घायल हुए हैं। ये परंपरा हर साल दशहरा के मौके पर निभाई जाती है। सोशल मीडिया पर सक्रिय नार्वे की राजनयिक केरिक सोलहेम ने कुछ दिन पहले बर्फ से ढके एक प्राचीन शिव मंदिर की वीडियो को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा इनक्रेडिबल इंडिया। साथ ही अपने इस ट्वीट में वीडियो में दिखाए उत्तराखंड के शिव मंदिर को दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित महादेव का मंदिर बताया। उन्होंने लिखा कि ये करीब 5,000 साल पुराना है।
चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड CMRL के अनुसार उसने 2011 में मेट्रो सेवा को सभी 3 गलियारों में 93 किलोमीटर तक विस्तारित करने की योजना बनाई है। कॉरिडोर 4 के तहत रूट का विस्तार लगभग 50 किलोमीटर तक होने की संभावना है, जो पुंदम मल्ली से परंदूर तक होगा। राजू श्रीवास्तव के निधन के बाद द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज फेम कॉमेडियन पराग कंसारा का निधन हो गया है। पराग कंसारा ने 6 अक्टूबर को अंतिम सांस ली। सोशल मीडिया पर साथी कॉमिक सुनील पाल ने इस खबर की जानकारी दी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को अमेरिका में 4 सिख परिवार के सदस्यों की हत्या पर दुख जताते हुए कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। देशभर में निजी वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने गाड़ियों के पंजीकरण के लिए नई भारत श्रृंखला यानी कि BH श्रृंखला शुरू की है। परिवहन विकास परिषद की सालाना बैठक के ब्यौरे से यह जानकारी मिली है। अमिताभ बच्चन का क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति को हाल ही में पहला करोड़पति मिला था। कोल्हापुर की गृहिणी कविता चावला 1 करोड़ के सवाल का जवाब देकर करोड़पति बन गई थी। इस सीजन KBC को शाश्वत गोयल के रूप में 2 करोड़पति मिल गया है। प्रोमो में शाश्वत 7.5 करोड़ रुपए के सवाल का आंसर देते दिख रहे हैं। स्पेशल ट्रेन चलने के बावजूद भी यात्रियों की सीट बुकिंग नहीं हो पा रही है। मामले में स्टेशन निदेशक गौरव दीक्षित ने कहा कि त्योहारी सीजन में महानगरों से आने वालों की भीड़ इस साल ज्यादा है, जबकि बड़े शहरों को जाने वाली ट्रेनों में भीड़ कम है। मुंबई से गुजरात के गांधीनगर जा रहे वंदे भारत ट्रेन के साथ गुरुवार को एक दुर्घटना पेश आई। ट्रेन वातवा और मनीनगर स्टेशन के बीच भैंसों के झुंड से टकरा गई। दुर्घटना के बाद कुछ भैंसों की मौत हो गई तो ट्रेन के इंजन का कुछ हिस्सा टूट गया। थाईलैंड के पूर्वोत्तरी प्रांत में मास शूटिंग में कम से कम 34 लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि मरने वालों में 23 बच्चे हैं। अब भी पूरी जानकारी नहीं मिली है। मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। अमेरिका के राज्य इंडियाना में भारतीय मूल के एक 20 वर्षीय छात्र की उसके छात्रावास में हत्या कर दी गई। उसके कोरियाई रूममेट को हिरासत में ले लिया गया है। इसने बताया कि इंडियाना पुलिस के वरुण मनीष छेदा परिसर के पश्चिमी किनारे पर मैक कचियन हॉल में मृत पाए गए थे। इस कॉरिडोर महाकाल कॉरिडोर की कुल लागत 793 करोड़ रुपए है। महाकाल कॉरिडोर को 2 चरणों में बनाया गया है। महाकाल कॉरिडोर अब पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है और 11 अक्टूबर को PM मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कल रात से ही सोशल मीडिया पर उदित नारायण को हार्ट अटैक आने की पोस्ट सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इस खबर को लेकर सिंगर के मैनेजर ने अपडेट दिया है। उदित नारायण के मैनेजर ने इन खबरों को सरासर गलत करार दिया है। उन्होंने सिंगर को हार्ट अटैक आने की खबरों का खंडन किया है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू कुमार, सौरभ कुमार, भान प्रकाश मौर्य, एक्टिव पवन, छोटू कुमार, आयुष, टुडे न्यूज़, राजकुमार प्रसाद, दीपक कुमार, मुटू रंगीला, दीपक कुमार, रविशंकर और अभिनेश। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, कांग्रेस अपने भारत जोड़ो यात्रा में सफल हो पाएगी या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।